सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो काम मैं डिसीजन जूरी के लिए छोड़ती हूँ. आई हैव अ लॉट ऑफ फेवरेट्स बट ऑल आई विल से इज मे द बेस्ट वन विन. मैंने GQ मैन ऑफ द ईयर के लिए आई एम जस्ट वेयरिंग एन ओवरसाइज ब्लेजर, सो आई थॉट दैट इट्स अ लॉट इन ट्रेंड एंड इट्स कनिका गोयल्स, सो या आई रियली थॉट लेट्स एक्सपेरिमेंट. जी मैं सिर्फ यही कहूँगी थैंक गॉड, यू नो फाइनली जो फिल्में हैं वो थिएटर्स में रिलीज़ हुई हैं, जिन्होंने देखी हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट की हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देखें. एंड ऑल आई विल से इज़ दैट आई एम इन अ फेज ऑफ लिविंग माई ड्रीम. थैंक यू. क्या बोलूं आपको GQ मैन ऑफ द ईयर अवार्ड्स के बारे में, आप क्या जानना चाहेंगे सर? सर मुझे कुछ नहीं ना, कुछ वोट थोड़ी है इस अवार्ड में, कुछ भी हमें इनवाइट किया है अटेंड करने के लिए, कुछ लोग को कुछ मतलब अवार्ड देंगे, आई थिंक हमें भी एक अवार्ड मिल रहा है. सो जस्ट हियर टू हैव अ गुड टाइम, गुड नाइट एंड गो होम. मैं कुछ नहीं, प्लीज़ मैं मेरे को ये सब सवाल मत पूछिए, मेरी फिल्म के बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं. हाँ उसके बारे में बहुत खुशी है, हम सबको बहुत खुशी है, वो भी बहुत खुश हैं एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड इट्स ऑसम. आई एम गोइंग, थैंक यू. सर आप देख चुके हैं, आप बेबी को देख चुके हैं.
उनके बेबी के बारे में मुझे क्या पूछ रहे हो यार। हाँ, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।